गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइस, सुबह 7:30 बजे मैं उठ गया था और उसके बाद फ्रेश हो लिए हैं, तो अभी 9 बज रहे हैं। पीछे सिराज दाई भी तैयार हो रहे हैं, तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी हम निकल रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये लोग भी फ्रेश हो लिए हैं। अभी गुड मॉर्निंग बोल दो सुबह की। गुड मॉर्निंग। ये हमारे कैमरामैन है प्रोफेशनल। सो गाइस, सुबह हम लोगों ने ऑर्डर किया था, बट इन लोगों ने बोला कि बफे लग रहा है, तो ये सारा सेटअप लगा हुआ है बफे का। तो अभी ब्रेकफास्ट होगा यहाँ पर, हम मिलते हैं टेबल पे सीधे। आज का ब्रेकफास्ट ये रहेगा। चाय ने तो स्टार्ट भी कर लिया है और ये लोग बस फोटोज की बातें कर रहे हैं। भाई मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो गाइस, अभी परांठे और चाय यानी बाकी है, तो हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट, मिलते हैं उसके बाद। ब्रेकफास्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और अभी हम वापस से रूम में जाएंगे और सामान पैक करेंगे अपना, फिर हम निकलेंगे वापस नेपाल को। तो ये आप देख सकते हो, हम लोग सेकंड फ्लोर में अभी, और ये काफ़ी अच्छा ग्रीनरी इन लोगों ने का सेटअप लगाया हुआ है यहाँ पर। फोटोशूट चल रहा है, देख सकते हो आप। अभी हम रिसेप्शन में हैं और चेकआउट का टाइम हो चुका है, तो 10:30 बज चुके हैं। हेलो, थैंक यू बॉस। अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं। तो गाइस, जस्ट अभी हम लोग निकले हैं नेपाल के लिए, तो आगे का सफ़र आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा जो कुछ भी होगा आगे। तो सारे लोग बैठ चुके हैं पीछे, तो अभी जस्ट नैनी हल्द्वानी से हम लोग निकल रहे हैं। कितना दूर होगा यहाँ से नेपाल? 300 किलोमीटर। अभी हल्द्वानी में ही करीब 2-3 किलोमीटर आगे चले हैं हम लोग, और अभी आपको दिखाता हूँ हम क्यों रुके हैं यहाँ पर। ये हमारी है क्यूटी, और आज इसको अभी शायद लग रही है पॉटी करा इसने, पता नहीं क्या कर रही है, उसको अच्छी जगह चाहिए, तो इसकी वजह से हम लोग रुके हुए हैं अभी। इसका थोड़ा हाजमा ख़राब है शायद, ये जल्दी कुछ करे तो हम निकले यहाँ से। यही है हमारे वाला मेरे माइक में थोड़ी दिक्कत आ गई है अभी इस वक्त, तो वॉइस ओवर करना पड़ रहा मुझे। और ये मेन हाईवे पे हम लोग रुके हुए हैं अभी नारियल पानी पीने के लिए, तो ये आप देख सकते हो मेन हाईवे पे है ये। और इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि कैसा टेस्ट हो रहा है इसका, तो बोले कि लाजवाब है।
और ये भैया एक और नारियल पानी बनाते हुए। इस वाले नारियल में पानी ज़्यादा था लेकिन टेस्ट कुछ खास नहीं था। हो गया, अब ये जुगाड़ किया हमने, इसके गले में ना बात के इसके हमने कमर में बात दिया है ताकि ये निकले ना। आ जा, क्या बोल, क्या क्या होता है इसके अंदर से? मलाई पानी बहुत होगा है, पानी काफी निकला। हाँ, इसमें बहुत निकला था मेरे, उसमें पानी। तो इसके अंदर से भी एक चीज़ और निकलती है नहीं है? बहुत कम है भाई, कम है। निकाल दो, टेस्ट तो करते हैं। अरे टेस्ट तो कर लेते हैं। मेरे जो मैंने दूसरा वाला पिया था उसमें था भाई, हाँ, लेकिन पानी बहुत था इसमें मेरे वाले तो है ही नहीं मलाई, नहीं है मेरे वाले इतना निकला था। चलो कोई नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि नारियल के अंदर से भी मलाई निकलती है। तो ये आप देख सकते हो, ऐसे ही करते हैं फिर टेस्ट और देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। काफ़ी अच्छा है टेस्ट। तो जब भी आप नारियल पानी पिए तो इसे ज़रूर टेस्ट करें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जो पहले वाली मैंने पी थी उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। ये हो चुकी है जो फिनिश। भैया भैया इसकी भी निकाल दो मलाई। पर पहले वाला जो पिया था ना मैंने, उससे ज़्यादा टेस्टी था अभी वाला। ये मलाई वाला टेस्टी होता है। हाँ, पहले वाला पानी ज़्यादा था उसमें लेकिन थोड़ा फीका था। मलाई वाला मीठा होता है। अच्छा, मलाई वाले में ज़्यादा टेस्ट होता है ना। आपका नाम क्या हुआ भैया? नाम मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम, तो इनके वहाँ पर कभी भी आए पीलीभीत में तो यहाँ पर ज़रूर आप लोग नारियल पानी पिए। देख सकते हो इस तरह से इसके मलाई निकलती है। धन्यवाद। तो ये देख सकते हो आप, काफ़ी मोटा इसमें जो है मलाई लगी हुई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। टेस्टी वाले बहुत ज़्यादा इसमें मलाई। अभी वापस से सब लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, बस आगे निकल चुके हैं। तो यार अभी हम लोग फिर से सफ़र में निकल चुके हैं अपने, तो यहाँ से करीब करीब 250 किलोमीटर और है, तो पता नहीं अभी कितने घंटे लगेंगे पहुँचने में। सो गाइस, यह है हाईवे और अभी हम हैं पीलीभीत में। तो अब भूख लग रही है तो कुछ खा लेते हैं। तो ढिल्लो ढाबा में हम लोग रुके हुए हैं, भी ये लोग पहले भी यहाँ पर लंच वगैरह कर चुके हैं तो काफ़ी अच्छा बता रहे हैं। सो ये हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है और देखते हैं अभी अंदर जाके। बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है इन लोगों ने, देख सकते हो आप जो इसमें फूल हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। देख सकते हो आप, हाय। तो सनम का तो स्टार्ट हो गया अभी मोबाइल में। तो ये देख सकते हो आप गाइस, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कैप्शन जो इन लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पर, गुड थिंग आर गोइंग टू हैपन।
when nothing is going right, go left. आगे भी है, collect moments, not things. Keep calm and smile on. सबसे बेस्ट तो यही है गाइज, तेरे मुंह में घी शक्कर. आ गए तुम. Stay hungry, stay foolish. अभी हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसी के साथ ही आपको एक चीज़ और दिखा दूँ मैं. इसी ढाबे में आप देख सकते हो शॉप भी है, गर्मा गर्म दाल. ठीक है, पनीर का आइटम. हाँ, पनीर बटर मसाला. तो अरे खा लेंगे हम लोग, खा लेंगे कोई नहीं. हाँ ले लेंगे. सो गाइस लंच हम लोग का हो चुका है, तो रिव्यू ले लेते हैं कैसा लगा. सनम कैसा लगा खाना? बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है ना. और दाई कैसा लगा खाना? अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया. चार पांच बार तो दो तीन बार ये लोग खा चुके हैं यहाँ पर, तो इसलिए रिकमेंड किया इन लोगों ने कि यार इधर ही खाते हैं बोल के. मैडम कैसा लगा खाना आपको? बहुत अच्छा. अरे सियाल दे खाना कैसा लगा? इधर देख लो एक बार, बढ़िया है. चलो गाइस अभी यहाँ से करीब करीब 200 किलोमीटर दूर है नेपाल, तो अभी हमको लगातार बिल्कुल स्पीड से यहाँ पर से निकलना है ताकि हम टाइम पर पहुँच जाए, क्योंकि फिर भंसार वंसार का कुछ दिक्कत रहती है. तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं. तो अभी जो है 7:30 बज रहे हैं शाम के, और बिल्कुल हमारे सामने बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का. गाइस ये रहा नेपाल का गेट, तो अभी हम बस एंटर कर रहे हैं. हम अभी इंडिया में हैं. ये अब गए, अब चले गए, अब नेपाल पहुंच गए. नेपाल में तो इंडिया नेपाल का बॉर्डर क्रॉस कर लिया हमने, बस अब हम सीधे नेपाल में मिलेंगे आपको. सो गाइज फाइनली नेपाल की धरती पे हम कदम रख चुके हैं. तो यार अभी हम लोग कर रहे हैं डिनर, और 9 बजे हम लोग पहुँचे थे एग्जैक्टली यहाँ पर, तो अभी टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं. तो सारा सामान जो है सेटअप किया हम लोगों ने, तो ये आप देख सकते हो किसी को हिम्मत नहीं थी, सब थक चुके हैं, इसलिए हम लोग रेस्टोरेंट से पैक करके ले आए थे. गाइज आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.